गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रस बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है बिस्टेक तो 25 साल कंप्लीट हो गए हैं बिमस्टैक को तो सिक्सथ जून 1997 को ही बे बिम्स्टेक बनाया गया था तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक है जो कि बैंकॉक डेक्लेशन से इसको बनाया गया था 1997 में इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस का इसका एम है बेसिक एम है ट्रेड टेक्नोलॉजी एनर्जी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म ये सारी चीज़ों को जो है ये कवर करता है हेड क्वार्टर इसका ऑफ कोर्स ढाका में सिचुएटेड है बांग्लादेश में और इसके करंट मेंबर्स जो हैं वो इंडिया थाईलैंड म्यांमार नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका और भूटान है लगभग 22 परसेंट ग्लोबल पॉपुलेशन है और आलमोस्ट टू ट्रिलियन अब इसको आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो क्योंकि जो है 2.7 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा कंबाइंड जीडीपी होगा आप बिम्स्टेक रीजन का Uh, जब शुरू में ये फॉर्म हुआ था तो चार कंट्रीज़ थी इसका सिर्फ पार्ट बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका और थाईलैंड बट जब म्यानमार इसमें बाद में ऐड हुआ तब इसका नाम बिम्स्ट ई मतलब बिम्स्ट ई इसका नाम हो गया था लेकिन जब नेपाल और भूटान जब दो में इसमें ऐड हुए तब इसका नाम जो है वो बिम्स्टेक कर दिया गया एनुअल मीटिंग्स होती हैं अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे भी रिसेंटली जो है श्रीलंका ने इस मीटिंग को होस्ट किया था मार्च में 2022 में और जो है आ, कुछ इसमें इश्यूज रह गए हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं जैसे कि 18 साल हो चुके हैं जब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में वो आज तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हो पाया कंट्रीज़ के बीच में ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो समिट डिक्लेरेशंस तो कर देते हैं उसके बाद जो है मिनिस्टर्स कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं और उससे क्या होता है कि सिर्फ ऑफिशियल्स या एक्सपर्ट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ही जो है वो सारा इम्प्लीमेंटेशन uh, का काम रह जाता है मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी जो है सिर्फ वही अभी तक uh, इसका एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हो प्रोग्रेस है जो कि अडॉप्ट किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी कोई खास इसका जो है वो बड़ा इनिशिएटिव नहीं रहा है अभी तक और ब्लू इकॉनमी जबकि ये आपका देखो इंडियन ओशन रीजन में है बिम्स्टेक कंट्रीज तो इसको तो ब्लू इकोनॉमी को तो हम बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन ब्लू इकोनॉमी को से रिलेटेड भी कोई प्रोजेक्ट अभी तक बिम्स्टेक ने लॉन्च नहीं किया है बिम्स्टेक डिवेलपमेंट फंड जो है उसको भी एस्टैबलिश करने में और उसको भी जो है उसमें फ़ंड में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने की तरफ भी जो है रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस पर भी कोई फंडिंग पे कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली है बिजनेस हाउसेज कारपोरेट लीडर्स वो भी फुली एंगेज नहीं है अभी बिमस्टेक्स में तो अभी तक जो थर्ड स्पेस की ज़रूरत होती है जो आपके स्टेक होल स्टेक होल्डर्स की गवर्नमेंट के अलावा वो अभी तक जो है वो आपको देखने को नहीं मिली है इसमें बिमस्टेक में तो इसीलिए जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी लागार्ड है इसकी बट इंडिया जो सोच रहा था कि साक को रिप्लेस करके हम बिमस्टेक को जो है वो आ, जो है इम्प्रूव करेंगे ताकि पाकिस्तान को हम एट द बे रख सकें तो वो इनिशिएटिव के लिए या वो एक ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए बिमस्टेक में न्यू एनर्जी इन्फ्यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलिसी चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट तो ये टॉपिक आपका आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो गवर्नेंस के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो कि अभी क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट जो होती है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो अगर कोई प्राइवेट पार्टी के साथ वो एग्रीमेंट में है लेकिन उस एग्रीमेंट को वॉयलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है टू फुलफिल सम पब्लिक इंटरेस्ट तो वो ऐसा कर सकती है मतलब कोई गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट ये डिमांड करता है कि उस एग्रीमेंट को वायलेट करो या उसको उसकी टर्म को चेंज करो तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर सकते ही हैं ठीक है थीके? तो चेंज इन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में है तो ऐसा किया जा सकता है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है तो एक्चुअली में केस के अब इसके बहुत से मायने हो सकते हैं आप सोचो कि गवर्नमेंट की एक तो आ, जो है जितनी बार गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करेगी और बाद में कोई करंट जो बाद में कोई गवर्नमेंट बदल जाती है कोई और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट जैसे मुद्दे का यूज़ करते हुए जो है उस प्राइवेट पार्टी के साथ जो किए हुए एग्रीमेंट को वॉयलेट कर सकती है या उसको जो है वो कैंसिल कर सकती है सो so इसके अच्छे भी Uh, जो हैं वो इम्प्लीमिकेशन हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं है ना तो अब ये केस हुआ क्या था क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया है तो ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने फार्मर से कुछ प्लॉट्स जो है लैंड ख़रीदा था और उसके प्लॉट्स अलॉट किए थे जिन लोगों को उनको कहा कि आप 64.7 परसेंट और पेमेंट करो क्योंकि फार्मर्स को हमको थोड़ा और जो है वो पैसा देना है ठीक है तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा क्योंकि Uh, एक और सिमिलर प्रोजेक्ट था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का उस सिमिलर प्रोजेक्ट में फार्मर्स को 64.7 परसेंट एडिशनल कंपनसेशन मिला तो जो ये यमुना एक्सप्रेस वे वाले जो फार्मर्स थे uh, उन जिनके प्लॉट लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि जब दूसरे नोएडा वाले जो हैं फार्मर्स uh, के, के, के के, जो जब लैंड लिया गया तो उनको इतना ज़्यादा जो है एडिशनल कंपनसेशन मिला तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक तरह से uh, जो है इस येडा प्रोजेक्ट को जो है वो स्टॉल करना शुरू कर दिया तो येडा जो है उन्होंने फिर ऑफकोर्स वो पैसा अपने आप कहाँ से देते तो उन्होंने जो है ऑफ़कोर्स जो लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं उन्हें ही बोला कि आप जो है एडिशनल 64.7 परसेंट पेमेंट दो क्योंकि हमें फ़ार्मर्स को पे करनी है लेकिन फिर हुआ क्या कि ये जो है लैंड अलॉटीज़ जिनको कहा गया कि आप 64 फोर परसेंट सिक्सटी परसेंट के आसपास जो है वो आप एडिशनल पेमेंट दो वो गवर्नमेंट के पास अप्रो उन्होंने अप्रोच किया ठीक है सो so, ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कहा कि यस ये 64.7 परसेंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फार्मर्स को पे करने के लिए लेकिन ये अलॉटीज़ जो हैं वो उसके लिए तैयार नहीं थे इसलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गए तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो अलॉटीज़ के फेवर में जजमेंट दी और बोला कि ये चेंज ऑन इन पॉलिसी जो है ये जो है हाई कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला कि चेंज इन पॉलिसी जो है टू पे एडिशनल अमाउंट जो है वो आर्बिट्रेरी है ऐसा नहीं कि आपने पहले तो ये बोला फार्मर्स के साथ जो डील हो गई एक बार गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ की उसके बाद ये नहीं हो सकता कि आप उस उसको आप आर्बिट्रेरी बाद में चेंज कर दो ठीक है आप कोई डिमांड एक्स्ट्रा रख के बाद में उसको चेंज कर दो ऐसा हाई कोर्ट ने अलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला लेकिन जो है आ, फिर जो आ, येडा है येडा के को पता था कि फार्मर्स इस इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील किया जब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो है गवर्नमेंट को ये जो है आपके इलाहाबाद कोर्ट की जो है डायरेक्शन को या उसके जजमेंट को जो है ओवर टर्न कर दिया और बोला कि गवर्नमेंट जो है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा जरूरी हो और रीजन उसको गाइड कर रहा हो तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको टॉपल कर सकती है पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को और जो है न्यू कंडीशंस रख सकती है तो अब उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि जो है फार्मर्स के साथ जो है वो जो है आपने पहले डील किया था या जो प्राइवेट पार्टी के साथ पहले डील किया था जिस भी कंडीशन पे लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट ये कह रहा है कि नहीं उस डील को वायलेट करना चाहिए तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ आप खुद भी इसके बारे में सोचो कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे ठीक है सो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं तो इसको आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके ऊपर ठीक so, है सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कार्बन बॉम्ब्स तो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट लॉयर्स और एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने एक प्लेज लिया है कि वो कार्बन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करेंगे तो एक्चुअली ये कार्बन बॉम्ब्स क्या है तो द uh, गार्डियन नाम का न्यूज़पेपर आपने सुना होगा तो उन्होंने इसको डेफिनेशन दिया कि है कि कार्बन बॉम्ब्स बेसिकली क्या हैं जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने पूरी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा बिलियन टनस ऑफ सी ओ टू करते हैं तो बेसिकली वही वही जो है वो ये ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स ही कार्बन बॉम्ब्स हैं तो इनसे पोल्यूशन होता है इन्वायमेंटल डिग्रेडेशन होती है कार्बन एमिशन से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ऐसे 195 प्रोजेक्ट्स को इन एनवायरमेंटलिस्ट लॉयर्स और एक्टिविस्ट ने आइडेंटिफाई किया है यूएस रशिया वेस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर और कहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो हैं वो आगे बढ़े तो ये ओवरशूट कर देंगे वो लिमिट जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो है डिसाइड की थी कि इससे ज़्यादा अगर, अगर एमिशन हुई तो हम टू डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को जो है वो ब्रीच कर देंगे तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट लॉयर्स और एक्टिविस्ट जो है वो इसीलिए इन कार्बन बॉम्ब्स सो कॉल्ड कार्बन बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करने की बात कर रहे हैं अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में कहा गया है कि ये सिक्सटी परसेंट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी अंडर हैं और इसमें सिर्फ कार्बन अमिशन्स ही नहीं हो रहे हैं इसमें मीथेन के अमीशन्स भी होंगे जो कि 86 सिक्स टाइम्स मोर हीट को ट्रैप करती है देन सी ओ टू ठीक है और जो है आ, अब प्लान इसमें क्या दिया है उन्होंने कि लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव लिंगो इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है इन इन्वायरमेंटलिस्ट ने जिसमें कहा गया है कि ग्राउंड सपोर्ट को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इन प्रोजेक्ट्स के के आसपास जो है वो जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा कोर्ट में जाया जाएगा कि इन प्रोजेक्ट्स को रोका जाए और एनालिसिस और स्टडीज़ की जाएंगी कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स को रोका जा सकता है ठीक है वो कह रहे हैं कि आप ये प्रोजेक्ट्स मत लॉन्च करो इसके अगेंस्ट जो है आप रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीट वेव्स तो इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लिए ऑरेंज अलर्ट इशू किया है और कहा है कि हीट वेव की सिचुएशन रहेगी ही। तो हीट वेव क्या होती है एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर ठीक है एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर कुछ ऐ, ऐसी एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है आपकी आ, टिपिकली मार्च और जून के बीच में जब ये हीट वेव्स आती हैं और ये फिजोलॉजिकल स्ट्रेस कॉज करती हैं कई लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है ठीक है तो इसकी आई एम डी की डेफिनेशन क्या है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डि डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है क्या है इसके लिए तो अगर प्लेन्स एरियाँ हैं तो फोर्टी डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर होता है तो उसके आस तो उसके बाद जो है हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है और हिली रीजन्स में Uh, कम से कम तीस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए तब हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है तो सिवेयर हीट वेव कैसे डिक्लेयर की जाती है अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है लेस देन या इक्वल टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस हो और सेवन डिग्री सेल्सियस जो है वो उससे जब नॉर्मल टेम्परेचर है उस टाइम पर समझ लो कि Uh, जैसे आज का ही टाइम लगाते हैं कि एट्थ जून को जो नॉर्मल टेम्परेचर जनरली होता है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी uh, नाइन डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं लेकिन अगर उससे सात डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर से सात डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि उस दिन उस दिन हीट वेव की कंडीशन है ठीक है सिमिलरली अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है लेट्स से 40 डिग्री से फोर्टी वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है होता है नॉर्मली एट जून को और उस उस दिन एक्चुअली जो 2022 का एट जून है उसमें एक्चुअली फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस मतलब छः डिग्री सेल्सियस या छः डिग्री सेल्सियस से, से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो भी हम उसको सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में डालेंगे ठीक है अब पन्तालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर का कोई भी टेम्परेचर तो उसको हम जो है हीट वेव की कैटेगरी में ही डालते हैं ये आईएमडी की डेफ़िनेशन हैं ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शीतल सस्ती तो शीतल सस्ती फेस्टिवल जो है वीक लॉन्ग जो है फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होना शुरू हो गया है उड़ीसा में एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल है जो कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की मैरिज को जो है वो आ, सेलिब्रेट करता है अब ये सिक्स डे ऑफ ज्येष्ठ मंथ में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के टाइम पर और शिवा इसमें जो है स्कॉर्चिंग uh, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर को और गॉडेस पार्वती सिग्निफाइज़ द फर्स्ट रेन ठीक है तो ऐसा इसमें कहा जाता है कि इस वेडिंग को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि मानसून अच्छा हो जाए और शीतल सस्ती में क्या होता है कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को अडॉप्ट की करती हैं दो फैमिलीज़ और फिर जैसे एक नॉर्मल मैरिज होती है वैसे प्रॉपरली पूरी एक हफ्ते की मैरिज जो है वो की जाती है संबलपुर इलाका है आपका वेस्टर्न ओडिशा में वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल प्रोग्राम तो ये लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे तो इसको जो है इसमें क्या किया जाएगा कि पाँच हज़ार प्रोफेशनल्स को जो कि मिडर मिड टू जूनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे या फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे जो गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया का अमृत जो है इनिशिएटिव है जिसमें कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जो है आ, कम लेके जाना चाहते हैं इंक्रीज़ को इंडिया क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स में हमने अनाउंस किया था पंचअमृत जो है फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी पीएम मोदी ने अनाउंस की थी उसको उस विज़न को रियलाइज़ कैसे करेंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है इन फाइव थाउजेंड प्रोफेशनल्स को दी जाएगी ठीक है सो इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूरू के साथ जो है वो एम भी साइन कर लिया है एन और डब्ल्यू इंडिया ने ताकि जो है इन प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करवाई जा सके ठीक है So, now let us see all these topics in English. So, the first topic is stack. So, BIMSTECH has marked the completion of 25 years since its inception. So, it was founded on 6th of June 1997 through the Bangkok Declaration. So, it is basically an economic block. And the aim is to accelerate economic growth and social progress uh, along, uh, among multiple sectors like trade, technology, energy, transport, etc. It is currently headquartered in Dhaka and it consists of these members India, Thailand, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and Bhutan. And it is home to about 22% of the global population and a combined GDP of over. 2.7 trillion dollars so when it was initially formed in 1997 it was called bistec because it had countries like bangladesh india sri lanka and and thailand and when myanmar joined it in 1997 the group was renamed bimst ec okay so only after nepal and bhutan joined it in uh, 2004 it was named as bimstec okay so of course this progress has been impressive if we see how the members are joining it but there are certain issues in the bim stack also so even after 18 years of signing uh, the framework agreement for a comprehensive free trade agreement this uh, comprehensive free trade agreement has not been signed yet uh, even the uh, political leaders do not seem as enthusiastic about investing in BIMSTEC because we have seen that uh, they get involved in the summit, but uh, summit and they make some de declarations. But later on, even the ministers and officials do not uh, seem as uh, involved in BIMSTEC uh, um, declarations, and they. That's why the entire task remains. Uh, Confined to the bureaucracy of these respective countries, so not uh, enough political capital is being invested in BIMSTEC. The limited progress that it has achieved so far is this master plan for connectivity. But it was also the outcome of the bilateral initiatives which were taken by India, Bangladesh, Bhuta, uh, Nepal, and Bhutan. The BBI and corridor, you know, already about that. Uh, only after. In these bilateral initiatives, this master plan for connectivity was signed, uh, which is of course supported by the Asian Development Bank. On the field of uh, blue economy, no progress has been made despite the BIMSTEC countries being a part of the Indian Ocean region. Uh, there is no progress on the BIMSTEC development fund, it has not even been established as of yet. The business chambers and the corporate leaders are not enthusiastic and they are not fully integrated with the activities of BIMSTEC. So, currently, only the government level and the civil society members are participating in BIMSTEC meetings. So, it is lacking the economic strength that uh, otherwise should guide this BIMSTEC uh, grouping. Okay, so India was visualizing that BIMSTEC would replace SARC. Uh, because uh, Pakistan plays sport in uh, SARK, so India was uh, looking at BIMSTEC as an alternative to uh, to SARK. But looking at the progress of BIMSTEC, that dream is, uh, uh, is uh, currently far fetched. So the next topic is policy change of government in public interest. So recently, Supreme Court has said that in case uh, there is an agreement between private parties and the government. The government can backtrack and government can change their policy after these agreements in case the, these uh, decisions are taken in public interest. Okay, so what it means is that let's suppose that government gives a, a power purchase agreement to power companies uh, today for let's say 10 years, that these companies, these private uh, these private companies would, would produce power for the state government for the next 10 years. But in let's say after five years, the government finds that uh, the uh, private uh, power company is not living up to its expectation, or there is a let's say change in the uh, technology, and the resultant power that uh, can be produced from the change in technology will be much less uh, priced than the power that is being produced by the current uh, uh, private party. Then, in that case the government can violate uh, uh, the, the private uh, uh, the agreement which it ha which which it has entered with the private party because that would be in public interest okay so this will have a lot of ramifications governments will uh, like i was telling you earlier that it could also have bad ramifications also so let's suppose that today a certain political party enters into a, uh, an agreement with the private uh, private uh, party Later on, with the change in government, that that uh, new government would uh, find an excuse that it is not in the public interest to continue with this agreement, and then it then it can arbitrarily cancel the agreement with the private party. Okay, so that is the bad outcome. This is the bad outcome of this decision, and there could be of course good uh, good outcomes also. So you have to uh, think about it yourself because that this. Topic could be a question in your mains exam this year. Okay, so what was this case? Why the Supreme Court has made this observation? So actually, there was a case where, where Yamuna Expressway Industrial Development Authority asked the land uh, the land allotted uh, the plots the allotte, plot allottees uh, that they will have to pay 64.7 percent more in payment, and uh, because uh, the they had the ye YEIDA YEDA YEDA had to pay this 64.7% uh, payment to farmers from whom uh, the, these lands have been acquired. But these allottees were not happy with that because they said that uh, as per the agreement, we had to pay only this much amount of money. Now you are changing the term of the agreement, now you are asking us to pay 64.7% more. So that's why they moved to the high court first. Uh, uh, so no so first they moved to so first they uh, requested the state government so the state government formed a high level committee to find the solution and the committee found that this uh, yeda uh, collection of 64.7% uh, is uh, fine and it even recommended that this additional amount should be paid to the farmers but the allottees were not happy with the committee recommendations also so they approached the allahabad high court allahabad high court uh, allahabad high court uh, called this decision of uh, collecting additional amount uh, for payment to farmers as arbitrary because it was not originally in the contract when this contract was signed but later on uh, these uh, this yeda challenged this high court's decision into supreme court and supreme court said that even if the initial agreement that uh, the private party entered with the government um, uh, may provide for certain amount of money but in case public interest in this case the farmers interest demands more payment or violation of the agreement then it can be done uh, if it is in public interest so like i was telling you that this the, the ramifications of this judgment would be huge and it would uh, if uh, if uh, i have to give my personal opinion this this would basically dissuade private companies from entering into uh, agreements with the government because this would uh, uh, bring in an element element of arbitrariness if you are a private company, you would not know that if uh, that tomorrow the government was, would use any public interest or uh, uh, pub public interest excuse and then it would violate the agreement. So basically, this would dissuade the private companies from entering into agreement with the governments. Okay, so a, a lot of ramifications are there for this judgment so the next topic is carbon bombs so a group of environmentalists lawyers and activists have come together to identify and diffuse these carbon bombs so what are these carbon bombs so basically the coal oil and gas projects because they emit a lot of a billion tons of co2 emissions in over their lifetime that's why they are called as they are being called as carbon bombs they also cause pollution and environmental degradation uh, so around 195 such projects have been identified in us russia west asia australia and india and uh, if they go uh, unrestricted, they would overshoot the limit of emissions which are required to uh, uphold the Paris Agreement of 2015. That's why these environmentalists are saying that these projects must be stopped. 60% uh, of these uh, carbon bomb projects are already underway. And apart from carbon emissions, they also emit methane, which is 86 times more, uh, it traps 86 times more heat than carbon dioxide over a period of 20 years so that's why they have uh, in, uh, launched this new initiative called leave it in the ground initiative lingo under which they will uh, organize ground support they will start protesting against such products they will go for litigation against such products so that these projects can be shelved and renewable energy projects can be adopted okay so the next topic is heat waves. So Indian Meteorological Department has recently issued a, an orange alert over heat waves uh, in the northwestern and central India region. So basically, heat wave is a period of abnormally high temperatures. Uh, extreme temperatures are reached uh, because of uh, atmospheric conditions, generally between the uh, the months of March and June, and uh, of course, sometimes it ca it can even extend till July if the monsoon is uh, uh, not uh, if the monsoon gets delayed. Uh, so how IMD, that is the Indian Meteorological Department, identifies heat wave? So it defines heat wave as a uh, uh, as a as uh, a, a scenario when the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius in the plains region and at least 30 degrees celsius for hilly regions and this severe heat wave is also uh, is also decided uh, based upon the normal maximum temperature and the deviation from it okay so this is the criteria you can read it yourself and uh, if the temperature breaches the 45 degrees celsius threshold then heat waves must be declared okay so the next topic is sital sasti so week-long celebrations of sital sasti festival has been started in odisha it's a sacred hindu festival where the marriage of lord shiva and goddess parvati is celebrated it is observed on the sixth day of Jaist month during the shukla paksha uh, shiva represents the scorching heat of summer and uh, goddess parvati signifies the first rain so this, uh, observe, uh, this uh, festival is observed for a good monsoon uh, generally the uh, two families adopt these uh, 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 lord shiva and goddess parvati respectively and they perform uh, this marriage celebrations like usual for a week uh, for uh, around a week and this is being conducted at sambalpur in western odisha so the next topic is LCCM program. So LCCM is basically leaders in climate change management. So this program is launched by the National Institute of Urban Affairs, along with the World Resources Institute India. So this was launched uh, at the on the occasion of World Environment Day. And it is aimed to uh, train 5000 pro professionals belonging to the mid to junior level government offic office officials and frontline workers so that they can be trained to achieve the Panchamrit strategy that PM Modi announced during the uh, Conference of Parties 26 meeting. Okay, so the aim is to strengthen India's workforce to achieve this Panchamrit goal, this five-fold uh, strategy, so that India can achieve the 1.5 degree Celsius target. For this training, Administrative Training Institute of Mysuru has been roped in by the uh, NIUA and WRI India for the training of these 5,000 uh, 5, professionals. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.